Okay, so we are now going to discuss one new chapter, that is the sex determination. ये भी बहुत important chapter है. तो sex determination के ऊपर 4 number का question, 8 number का तो नहीं आएगा, लेकिन there is a chance of coming up 4 number question. जो 4 number का question आने का chance है, I guess maybe it come. ठीक है, देखिए इस paper setter के ऊपर होता है, लेकिन हमें उस तरह से preparation करना पड़ेगा. Okay, हमें हमारी कोशिश, वाई आई हैव स्टार्टेड द कोर्स, कोर्स इसलिए शुरू किया है कि आपको हर चैप्टर समझ ले, आप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर दे पाए, इसलिए हमने ये गाइडेंस शुरू किया है. एंड वी आर गाइडिंग बाय टेकिंग 100 rupees फीस, दैट इज नथिंग. ओके, सो ये आपको भी पता है, ये फीस कुछ भी नहीं है. नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स मतलब मेल और फीमेल, बनने से पहले वो कैसे डिसाइड होगा कि आने वाली प्रोजेनी, the coming progeny will be male or coming progeny will be female. So that determination, decide hona, is called as sex determination. Before the development of progeny, wo decide hota hai ki aane wali progeny male aayegi ki female aayegi. Iska aisa nahi hota ki kuch nahi, kabhi male aayegi to kabhi female aayegi, aisa nahi hai. There is some base, kuch to cheez hai. Because of that, sex is getting determined before the formation. The process of sex differentiation which utilize various genetical concepts to decide whether a particular individual develop into male or female sex. आने वाला प्रोजेनी मेल होगा कि फीमेल होगा, वह identify करना with the help of different genetical concepts to decide. तो ये है आपका sex determination. तो इसको हम बोलते हैं sex determination, जहां पे भी genetic basis के ऊपर, okay, डिसाइड होता है कि जीन्स के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ विच टाइप ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट, इसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि कमिंग प्रोजेनी विल बी सेक्स मेल और फीमेल. दैट इज कॉल्ड एज सेक्स डिटरमिनेशन, उसको हम बोलते हैं सेक्स डिटरमिनेशन. नाउ मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, इसको हम प्लांट और एनिमल बोल सकते हैं. तो ये मैकेनिज्म के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म में आपको ये वाले एग्जांपल एक्सप्लेन करने पड़ेंगे. नाउ फर्स्ट मैकेनिज्म इज द क्रोमोसोमल सिस्टम, दूसरा मैकेनिज्म है आपका मोनोजेनिक सिस्टम, और तीसरा है एनवायरमेंटल इफेक्ट. तो देयर आर बेसिकली 3 mechanisms है. क्रोमोसोमल मैकेनिज्म थोड़ा बड़ा है, बहुत सारे टाइप्स आपको दिख रहे होंगे. एनवायरमेंट का एनवायरमेंटल है, और मोनोजेनिक का एक सिंगल जीन डिस होता है, वो इसमें से कोई भी हो सकता है. नाउ क्रोमोसोमल सिस्टम में, दो प्रकार आते हैं. अल्लोजोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम, अल्लोजोम सिस्टम मतलब वहां पे स्पेशल सेक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होगा, वो सेक्स क्रोमोसोम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स. डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सिस्टम एक हनीबीज में आता है, टर्माइट में आता है, दैट इज द डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड, वो हम देख लेंगे. और तीसरा है जेनिक बैलेंस थ्योरी, विच वॉज गिवन बाय ब्रिज. हमने ब्रिज को देखा था एक बार, वो ब्रिज को दो बार देखा था. ब्रिज ने डिलीशन और डुप्लीकेशन 1917 और 1919, अगर याद आ रहा हो तो ठीक बात है. ठीक है, सो दिस, तो पहला है हमारा अल्लोजोम सिस्टम. अल्लोजोम सिस्टम में तीन प्रकार है, सॉरी क्रोमोसोमल सिस्टम में तीन प्रकार है. पहला अल्लोजोम सिस्टम है, देन हैप्लॉयड डिप्लॉयड सिस्टम है, और तीसरा है जेनिक बैलेंस थ्योरी. तो ये हमें अच्छे से डिटेल में पढ़ना है. मोनोजेनिक सिस्टम वो कोई नहीं, इसमें से कुछ रिपीट हो सकता है. ओके, और दूसरा है एनवायरमेंटल इफेक्ट, दैट इज अ टोटली डिफरेंट, वो एनवायरमेंट डिसाइड करेगा कि आने वाला सेक्स मेल होगा कि फीमेल होगा. सो दैट इज अनदर. ठीक है, तो ये आपको तीन तरह के, क्रोमोसोमल सिस्टम, मोनोजेनिक सिस्टम और एनवायरमेंटल इफेक्ट, ये तीन प्रकार क्रोमोसोमल सिस्टम में, फिर तीन प्रकार अल्लोजोमिक सिस्टम, डिप्लॉयड हैप्लॉयड सिस्टम एंड जेनिक बैलेंस सिस्टम. अब अल्लोजोम सिस्टम में हर ऑर्गेनिज्म, अगर एनिमल है, एनिमल में अलग, बर्ड में अलग, रेप्टाइल्स में अलग, ह्यूमंस में अलग, इस तरह से हो सकता है, क्योंकि स्पेसीज जनरा चेंज होता है, तो उसमें क्रोमोजोम थोड़े से अलग होते हैं. ह्यूमन का हमें पता है, ह्यूमन में एक्स एंड वाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन ऑफ द सेक्स. अगर प्रोजेनी में एक्स एक्स है, तो हमारे ह्यूमन में कौन सा सिस्टम आएगा, एक्स वाई सिस्टम, एक्स एक्स एंड एक्स वाई सिस्टम. तो एक्स एक्स एंड एक्स वाई सिस्टम एक टाइप होता है अल्लोजोमिक सिस्टम में, अल्लोजोमल सिस्टम में. अब किस किस में है एक्स 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 वाई सिस्टम, एक तो डॉर्सोफिला में है, ह्यूमन में है, मैल में है, जितने भी मैमल्स है उसमें एक्स 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 वाई सिस्टम होता है. व्हेनेवर द प्रोजेनी इज एक्स एक्स,
जन्म लेगी, जब भी एक्स वाई होगा मेल का बर्थ होगा, देर विल बी बर्थ और देर विल बी सेक्स ऑफ द मेल, समझ में आ रहा है? तो दिस इज एक्स 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 वाई सिस्टम हमारे इसमें खुद है। कभी कभी एक्स वाई एक्स एक्स सिस्टम भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो एक्स 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 ओ सिस्टम, दिस इज इन ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर में एक्स 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 ओ सिस्टम है, ओ मतलब कुछ भी नहीं है, खाली एक एक्स क्रोमोसोम है। तो ये होता है ग्रास हॉपर में, मेनी इंसेक्ट्स है, हेमिप्टेरा एंड ऑर्थोप्टेरा है, इसमें ये देखा जाता है। एक्स ओ एक्स एक्स सिस्टम भी होता है कभी कभी, और मैंने बोला था एक्स वाई एक्स एक्स सिस्टम, इसको हम एक्स वाई एक्स एक्स सिस्टम ना बोलते हुए जेड डब्ल्यू जेड जेड सिस्टम बोलते हैं, हम थोड़ा सा अलग वर्ड यूज करते हैं, बट आप एक्स वाई एक्स एक्स सिस्टम भी बोल सकते हैं उसको। सो देर आर बेसिकली फोर टाइप ऑफ एलोजोम सिस्टम। पहला है एक्स 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 वाई जो हमारे बीच में पाता है, मिल जाता है। दूसरा है एक्स 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 ओ सिस्टम, तीसरा है एक्स ओ एक्स एक्स सिस्टम, और चौथा है जेड डब्ल्यू जेड जेड सिस्टम। ओके, तीसरा चौथा है जेड डब्ल्यू जेड जेड सिस्टम। तो ये बर्ड में पाया जाता है। देखिए बर्ड में हमारे से उल्टा है, कभी भी याद रखना बर्ड्स, बर्ड और आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए होंगे बर्ड्स, कहा गया ये बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, बर्ड और बटरफ्लाइज में ये पाता पाया जाता है। तो इसमें क्या है, उल्टा है हमारे से। बर्ड में फीमेल इज होमोजाइगस एंड मेल इज हेटरोजाइगस फॉर एलोजोम, एलोजोम के लिए फीमेल क्या, बर्ड में फीमेल होती है होमोजाइगस, हमारे यहाँ उल्टा है, सॉरी बर्ड में फीमेल होती हेटरोजाइगस, हमारे यहाँ फीमेल होती होमोजाइगस, एक्स एक्स होता है, उधर क्या होता है जेड डब्ल्यू होता है, आप एक्स वाई भी बोल सकते हो लेकिन हम जेड डब्ल्यू बोलते हैं, और मेल होता है होमोजाइगस बर्ड में, हमारे यहाँ मेल होता है हेटरोजाइगस, एक्स वाई वाला मेल होता है। आप में कौन से, आप अगर मेल हो एक्स वाई, अगर आप फीमेल हो तो एक्स एक्स है, याद रखना, ठीक है। तो दिस इज अ फोर टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, आपको ये ऑर्गेनिजम्स रटने पड़ेंगे। ओके, अब प्लांट्स में क्या क्या पाया जाता है, प्लांट्स को इतना लिखने की जरूरत नहीं, प्लांट्स की सिस्टम हमें इतनी समझ में आती भी नहीं है, तो जस्ट रिमेंबर द ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स के एग्जाम्पल याद रखो आप, ठीक है। अब डिप्लॉयड हैप्लॉयड सिस्टम इज फाउंड इन हनीबीज, हनीबीज में, टर्माइट में, ओके, एंट में डिप्लॉयड हैप्लॉयड सिस्टम पाई जाती है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। That is also part of genic balance theory is Drosophila. Drosophila में हम एक्स 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 वाई भी बोल रहे हैं और genic balance theory भी बोल रहे हैं। वो genic balance theory होता क्या है, that also we will discuss. ये थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, इसमें हम जल्दी से कवर कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज अ क्लासिफिकेशन, ये आप क्लासिफिकेशन सब याद रखो, इसके एग्जाम्पल्स याद रखो। अगर यहाँ पे है मोनोजेनिक सिस्टम Drosophila, मैन, मैन में भी मोनोजेनिक है, गोट में है, पिग में है, डॉग में, मैन में मोनोजेनिक कैसे है हम अगले एग्जाम अगले स्लाइड में देखेंगे। मैन में एक SRY जीन होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिस डेवलपमेंट, ठीक है, अभी हम उसको देखेंगे। एनवायरमेंटल इफेक्ट, ये दूसरा थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, मैकेनिज्म है। अब इसमें बोनेलिया एंड टर्टल्स है, बोनेलिया है, देन हमारे जो क्रोकोडाइल्स है, ओके, देन डिनोफिलस है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिनका आने वाला प्रोजेनी मेल आएगा कि फीमेल आएगा, इट्स डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट। वो किसके ऊपर डिपेंड है, एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड है, दैट इज डिपेंड ऑन एनवायरमेंट। ओके, यस, नाउ मैंने बोला था मैं ह्यूमन का सिस्टम बताऊंगा सिंगल जेनिक क्यू है। तो ह्यूमन में SRY एक जीन होता है, देखिए ह्यूमन में कौन सा जीन होता है, SRY जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसमें एक ये क्या करता है, SRY जीन एक TDF नाम का प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। SRY जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर इन ह्यूमन, सेक्स डिटरमाइन बाय अ डोमिनेंट इफेक्ट ऑफ SRY जीन ऑन द Y क्रोमोसोम, ये Y क्रोमोसोम पे होता है। तो जब भी प्रोजेनी में Y क्रोमोसोम जाएगा, SRY जीन Y क्रोमोसोम में होगा, and that was SRY gene will produce the TDF, testis determining factor protein. Okay, एक protein है, and that protein is responsible to convert, okay, the cortex into testis. तो उसमें क्या होगा, TDS induce the medulla of the embryo gonads to develop into testis. जो जो sex organ है अभी बना नहीं है, अभी decide होना बाकी है, तो क्या होगा, TDF अगर बन गया तो that will convert into the testis, अगर नहीं बना तो that will get convert into
व्हाट ओविल ओवरीज ओवरी में बन जाएगा. तो दिस इज अबाउट द व्हाट दिस इज अबाउट द सेक्स ऑर्गन. ओके तो ये है आपका जीन. सिंगल जीन कैसे डिसाइड होता है दिस इज मेल का आपको पता होना जरूरी है. नाउ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम मैंने आपको चार प्रकार बताए एक्स 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 वाई ओके या आप एक्स 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 ओ या ओ एक्स 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 कर सकते हो एक्स ओ एक्स एक्स कर सकते हो. तो देर आर डिफरेंट टाइप्स. ओके एक एक हम डिस्कस कर लेंगे. हमने डिस्कस किया हुआ है वैसे. अब एक्स 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 ओ सिस्टम ह्यूमन का बताने की जरूरत नहीं आई थिंक. एक्स 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 वाई बताने की जरूरत है क्या? नहीं, आपको पता है अच्छे से. अब हम पढ़ेंगे एक्स 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 ओ सिस्टम. ये है कुछ ग्रास हॉपर्स में पाई जाती है. अब उसमें क्या है मेल जो होता है मेल इज एक्स ओ मतलब उसमें कुछ प्लांट मेल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पर्म हाफ विद एक्स एंड हाफ विदाउट एक्स. हाफ में एक्स होता ही नहीं. ऑलवेज मेल के ये दो टाइप के स्पर्म आएंगे तो आने वाली प्रोजेनी 50% फीमेल आ सकती है जिसमें भी एक्स एक्स होगा वो फीमेल बनेगी और जिसमें खाली एक्स होगा एक वो मेल बनेगा. तो 50% चांसेस फॉर मेल 50% चांसेस फॉर फीमेल. क्योंकि गैमेट जब बन रहे हैं ग्रास हॉपर में वहां पे कैसे बन रहे हैं 50% गैमेट्स इन मेल आर विद एक्स क्रोमोसोम एंड 50% गैमेट्स इज विदाउट एक्स क्रोमोसोम. तो ये मोनोसोमिक कंडीशन हो रही है ना. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोनोसोमिक कंडीशन. याद रखना ये मोनोसोमिक कंडीशन बन रही है. ठीक है. नाउ एक्स 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 वाई हमारा मेल का है बताने की जरूरत नहीं है. ह्यूमन में मेल और फीमेल कैसे जन्म लेते हैं दैट इज कॉमन इन ऑल रिमेनिंग मैमल्स ऑल्सो. ये मैमल्स रिमेनिंग मैमल में भी ये कॉमन है. ओके सो ये भी बताने की जरूरत नहीं है. जब भी एक्स एक्स होगा फीमेल फॉर्म करेगी फीमेल का सेक्स आएगा. जब भी एक्स वाई होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एस आर वाई जीन टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर वहां पे प्रोटीन बनेगा और वहां पे टेस्टिस डेवलप होगा. ठीक है. नाउ जेड ओ जेड जेड सिस्टम आप एक्स ओ एक्स एक्स सिस्टम भी बोल सकते हो इसको. दैट इज फाउंड इन बटरफ्लाइज मॉथ्स और बटरफ्लाइज में पाई जाती है. इसमें क्या है फीमेल इज मोनोसोमिक है. एक क्रोमोसोम मतलब इसमें खाली एक क्रोमोसोम होता है एक्स का या जेड बोल सकते हो. दिस इज द कंडीशन. और मेल में दोनों होते हैं तो मेल में जब भी गैमेट पड़ेंगे दोनों जेड जेड के होंगे लेकिन फीमेल में एक गैमेट में जेड होगा एक गैमेट में कुछ भी नहीं होगा. दैट इज अ मोनोसोमिक कंडीशन. ओके फाउंड इन सर्टेन मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज. फीमेल पजेस सिंगल जेड क्रोमोसोम इन इट्स बॉडी कॉल्ड एज हेट्रोगैमेटिक एंड प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ एग. एक एग में क्या होगा जेड होगा और दूसरे एग में कुछ भी नहीं होगा. तो जो भी एग जेड वाला होगा उसके साथ जो मेल फर्टिलाइज होगा उसमें क्या होगा मेल बनेगा और जिसमें जीरो होगा उससे एक जेड फर्टिलाइज होगा उसमें फीमेल होगा. ओके तो फीमेल का बर्थ कब होगा आने वाली प्रोजनी अगर जेड वो है तो फीमेल होगी आने वाली प्रोजनी अगर जेड जेड है तो मेल होगी. देखिए हमने जितने भी तीन चार प्रकार के सिस्टम देख रहे हैं वहां पे आने वाला प्रोजनी मेल होगा कि फीमेल होगा चांसेस 50% आधा चांस है ना. तो लेकिन कभी कभी क्या होता है आप बोलोगे आधा चांस है तो कभी कभी कोई बंदे को चार चार लड़कियां कंटिन्यू होती है कोई कोई पांच पांच चार चार लड़के बॉयज पैदा होते हैं ऐसा क्यों होता है. दैट इज अ चांस. देखिए कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज हो रहा है ये आपके हाथ में नहीं है या कौन सा एग फर्टिलाइज हो रहा है दैट इज नॉट इन अवर हैंड. कोई तो एक होता है तो उसमें पता है 50% इज दिस 50% दिस. अब जिसका कॉम्बिनेशन बनेगा वो पैदा होगा. अब मेरा लक ये है कि मेरा पहला बेटा है 4.5 साल का दूसरी मेरी बेटी है. जब मेरी दूसरी बेटी पैदा होने से पहले हमें नहीं पता था कि बेटा होगा कि बेटी होगी बट वी वॉज प्रेइंग टू गॉड दैट गॉड बेटी हो. दैट इज अ चांस और गॉड ने हमें चांस बाय चांस क्या हुआ वी हैव अ गर्ल. तो ये होता है लेकिन अगर कंटिन्यू दूसरा भी बच्चा होता तो दैट इज नॉट मतलब बेटा होता तो दैट इज नॉट इन अवर हैंड. तो कभी भी लेडीज हो या जेंट्स हो इनके हाथ में कुछ नहीं होता. इसलिए कभी भी हमें लेडीज को ये नहीं करना है क्या बोलना है कि उनको जिम्मेदार नहीं ठहराना है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू गर्ल्स. कभी कभी होता है दो बेटे होंगे तो नाराज तो नहीं होते कुछ हो या ना हो लेकिन नाराज नहीं होते. लेकिन दो गर्ल हो तीन गर्ल हो कंटिन्यू तो फिर बहुत नाराजगी होती है फैमिली में. वो सही लगता है सबको कि उनको लगता है कि हमारा कोई वारस हो इसलिए होती है. अदरवाइज इसमें फीमेल का कोई रोल नहीं है. फीमेल इज उल्टा अगर मैं बोलूंगा तो रिस्पॉन्सिबल मेल है. फीमेल के तो दो एक्स है
मेल का एक एक से एक वाई है, अगर मेल का एक वाई फर्टिलाइज हुआ तो गलती फीमेल की भी नहीं है, और मेल की भी नहीं है वैसे अगर देखा जाए तो, दोनों की नहीं है लेकिन मैं मेल को जिम्मेदार ठहरा हूं। ओके, दिस तो दिस इज अ जेड ओ जेड जेड सिस्टम फाउंड इन मॉथ एंड बटरफ्लाई। इसमें फीमेल जेड ओ की होती है, ओ होता है मतलब जीरो बोलेंगे हम उसको, फीमेल इज अ हेटरोजाइगस मोनोसोमिक फॉर जेड। ओके, नाउ लास्ट इज अ बर्ड में उल्टा होता है, ह्यूमन का एक्स 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 वाई सिस्टम है, बर्ड का एक्स वाई एक्स एक्स सिस्टम है। ओके, फीमेल इज हेटरोजाइगस, मेल इज होमोजाइगस इन बर्ड्स। इस तरह से चार कंडीशन बनती है, अकर इन सर्टेन इंसेक्ट्स एंड वर्टिब्रेट्स लाइक एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में भी पाया जाता है जैसे इन्होंने फ्राइग्रिस दिया है। तो फीमेल हैव अ जेड एंड वन डब्ल्यू क्रोमोजोम, जेड डब्ल्यू सिस्टम बोलते हैं इसको, और मेल में दोनों जेड होते हैं। तो आपको आई थिंक ये ज्यादा सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, ये चैप्टर बहुत ईजी है आपको। इसमें और एक चीज मैं बताऊंगा, अब है दूसरा जेनिक बैलेंस थ्योरी। सेक्स डिटर्मिनेशन इन डॉर्सोफिला वॉज गिवन बाई ब्रिज, अब देखो यहाँ पे भी ब्रिज आ ही गए, ब्रिज का बहुत अच्छा काम है यहाँ। तो जेनिक बैलेंस थ्योरी वॉज गिवन बाय ब्रिज, अब हम इसको डॉर्सोफिला को बोलते एक्स 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 वाई सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर हम इसको जेनिक बैलेंस थ्योरी भी क्यों बोल रहे हैं, दैट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन हियर। ओके, अभी और 15 मिनट में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, यू विल अंडरस्टैंड इट आई नो, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आस्क मी द क्वेश्चन, अदरवाइज रीड एक बार वॉच करो अगेन एंड रीड द नोट्स ऑल्सो, नोट्स अभी धीरे धीरे हो जाएगा अपलोड। ओके, दिस नाउ डॉर्सोफिला ऑल्सो हैव एक्स एंड एक्स वाई क्रोमोजोम विथ एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स वाई मेल। डॉर्सोफिला में जनरली एक्स एक्स फीमेल होती है और एक्स वाई मेल होता है, लेकिन इसमें एक सेक्स रेशियो का कंसेप्ट डॉर्सोफिला में ब्रिज ने दिया, दैट इज कॉल्ड एज जेनिक बैलेंस थ्योरी। ओके, इसमें एक सेक्स रेशियो का कंसेप्ट दिया, दैट इज अ जेनिक बैलेंस थ्योरी। अब ये जेनिक बैलेंस थ्योरी क्या कहती है? ओके, नाउ इसका कहना ये था, किसका? डॉर्सोफिला में ब्रिज का। दिस द थ्योरी ऑफ जेनिक बैलेंस गिवन बाय ब्रिज इन 1926। ओके, ब्रिज ने दी दिस थ्योरी, स्टेट दैट इंस्टेड ऑफ एक्स वाई क्रोमोजोम सेक्स डिटरमाइन बाय अ जेनिक बैलेंस, यानी कि रेशियो, जिसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं, जेनिक बैलेंस रेशियो ऑफ बिटवीन एक्स क्रोमोजोम एंड ऑटोजोम, कितना का कैसा था, किसका? सेक्स एक्स क्रोमोजोम एंड नीचे है ऑटोजोम, सेट्स ऑफ ऑटोजोम बोलेंगे हम उसको, कितने नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम है और कितने ऑटोजोम्स के सेट्स है, ये रेशियो डिसाइड करता है आने वाली प्रोजेनी मेल आएगी कि फीमेल आएगी। इसका ये मतलब है वाई क्रोमोजोम का इसमें रोल नहीं है, वाई क्रोमोजोम इज नॉट प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स। रेशियो क्या आ रहा है, व्हाट रेशियोज कम, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, इवन जेआरएफ के लिए बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो इंस्टेड ऑफ सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय सेक्स रेशियो, ये किससे डिटरमाइन होता है, सेक्स रेशियो से होता है, जिसको हम सेक्स इंडेक्स बोलते हैं। सो सेक्स इंडेक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय ऑटोसोमल सेट। तो हमारे बॉडी में कितने ऑटोसोमल सेट होते हैं, तो हमारे बॉडी में कितने नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट्स होते हैं, दो होते हैं, देर आर टू ऑटोसोमल सेट्स। तो हम यहाँ पे अगर मेल है हम डॉर्सोफिला की बात कर रहे हैं, दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन डॉर्सोफिला, बाकियों में नहीं। अगर मेल है डॉर्सोफिला तो उसमें एक एक्स होगा, दूसरा वाई होगा, तो एक्स कितना है, वन, तो हम यहाँ पे वन लिखते हैं। और ऑटोसोमल सेट दो ही होते हैं ना, दो ऑटोसोम के सेट होते हैं, हर क्रोमोसोम का एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो 1/2 ये आ जाएगा 0.5। तो जब भी सेक्स इंडेक्स 0.5 होगा आने वाली प्रोजेनी मेल आएगी, याद रखना। अब फीमेल में कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं, दो, और फीमेल में ऑटोसोमल सेट दो ही होते हैं, तो ये रेशियो आएगा 1। तो जब भी रेशियो 1 आएगा आने वाली प्रोजेनी फीमेल आएगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अब आगे देखो, देखो जब भी सेक्स रेशियो या सेक्स इंडेक्स आपका इक्वल टू 1 आता है, कमिंग प्रोजन इज नॉर्मल फीमेल, कमिंग प्रोजन इज नॉर्मल फीमेल, कैसे आता है मैं करके दिखाऊंगा। जब भी इक्वल टू 0.5 आएगा, कमिंग प्रोजन इज नॉर्मल 5। अब ये 0.5 कैसे आएगा, सपोज एक्स वाई मेल है, ऑटोसोमल कैपिटल ए कैपिटल ए, अभी एक हो गया एक्स और ये दो हो गए, इट इज अ 0.5। ठीक है, फीमेल है, फीमेल में एक्स एक्स होता है और ऑटोसोम ए होता है, तो 2/2 कितना आ गया, 1। लेकिन
कभी कभी मोर देन वन आ सकता है, उसको हम बोलेंगे सुपर फीमेल। कभी कभी तीन एक्स हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, हो सकते हैं, कभी कभी तीन एक्स हो सकते हैं, तब भी आपका फीमेल ही आएगा, लेकिन दैट फीमेल इज बिकॉज रेशियो इज ग्रेटर देन वन। रेशियो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन वन आ रहा है, इट इज कॉल्ड एज सुपर फीमेल। इसको हम मेटा फीमेल भी बोलते हैं। समटाइम रेशियो इज लेस देन 0.5, इसको हम बोलते हैं सुपर मेल, इसको हम मेटा मेल भी बोलते हैं। अब ये 0.5 कैसे आएगा, देखो लेस देन 0.5 कैसे आएगा, एक एक्स है और तीन ऑटोजोम है, तो कितना हो गया 1/3, ये आ जाएगा नियर अबाउट 0.33, तो ये लेस देन 0.5 हो गया, तो इसको हम बोलेंगे सुपर फीमेल। और जो रेशो 0.5 to 1 के बीच में आता है, रेशियो विच कम्स बिटवीन 0.5 to 1, उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्स, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्स। अंडरस्टूड? अब कैसे आएगा इंटरसेक्स, देखो एक्स एक्स प्रोजिनी में अगर तीन ऑटो आपके ऑटोजोम्स हैं या ऑटोजोम्स के सेट है, तो क्या आएगा 2/3, कितना आता है 0.66, मतलब इट्स बिटवीन 0.5 and 1, तो ये इंटरसेक्स हो जाएगा। तो ऐसे रेशियो भी आ सकते हैं, अगर ग्रेटर देन वन आ रहा है तो इट इज अ व्हाट, इट इज अ सुपर फीमेल। वन आ रहा है, इट इज अ नॉर्मल फीमेल, इट इज अ 0.5, इट इज अ नॉर्मल मेल, इट इज अ लेस देन 0.5, इट इज अ सुपर फीमेल। अब मैं आपको बता रहा हूं आपको करना है, एक्स एक्स वाई डिवाइडेड बाय ए ए क्या आएगी। अब देखो वाई है फिर भी प्रोजेनी क्या आती है, 2/2, 1 फीमेल आएगी। इसका मतलब वाई का रोल प्ले नहीं है इसमें, लेकिन जब भी एक्स वाई होगा, एक एक्स और एक वाई होगा, तो डेफिनेटली एक्स इज वन एंड ऑटोसोम इज टू, तो ये आएगा 0.5। तो नॉर्मली इसलिए एक्स 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 वाई सिस्टम भी है, लेकिन वहां पे वाई इज नॉट प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल, यहाँ पे सेक्स इंडेक्स इज इंपॉर्टेंट। तो दैट वॉज गिवन बाय ड्रोसोफिला। तो ये आपको एक्सप्लेन करना, दैट यू नीड टू एक्सप्लेन इन योर एग्जाम इफ दे हैव आस्क यू जेनिक बैलेंस थ्योरी, एक्सप्लेन द जेनिक बैलेंस थ्योरी। सो यू नीड टू एक्सप्लेन द जेनिक बैलेंस थ्योरी, जेनिक बैलेंस थ्योरी क्या है। ओके यहाँ पे मैंने जेनिक बैलेंस थ्योरी आपको यहाँ बताई है। ओके व्हाट जेनिक बैलेंस थ्योरी स्टेट, जेनिक बैलेंस थ्योरी स्टेट दैट इंस्टेड ऑफ एक्स वाई क्रोमोजोम, सेक्स डिटरमाइंड बाय द जेनिक बैलेंस रेशियो बिटवीन एक्स क्रोमोजोम एंड ऑटोजोम। समझ में आ रहा है? बट आपको कभी कभी मेरे को क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं, सर मैं समझता हूं लेकिन लिख नहीं पाता। पहले अंडरस्टैंड करिए और अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए। ओके देन यू विल एबल टू राइट, यस डेफिनेटली यू विल एबल टू राइट। ठीक है, नाउ दिस इज अ जेनिक बैलेंस थ्योरी, ये है। अब आप निकाल सकते हो, अगर मैंने आपको कोई प्रॉब्लम दे दिया, एनी प्रॉब्लम यू कैन से, यू कैन सॉल्व एंड यू कैन टेल वेर इज अ मेल, वेर इज अ नॉर्मल मेल, वेर इज अ नॉर्मल फीमेल, वेर इज अ इंटरसेक्स, वेर इज अ, यहाँ पे इंटरसेक्स दिख रहा है, ये गलत दिया यहाँ पे, ठीक है, इट इज अ इंटरसेक्स, मेल नहीं आ सकता। ओके ये दूसरा है एक्चुअली, ये अलग ऑर्गेनिज्म है। ओके तो ये है आपका सुपर फीमेल कब होगा, मोर देन वन होगा, सुपर मेल कब होगा, लेस देन 0.25 होगा, इसको भी भूल ही जाए, ये अलग ऑर्गेनिज्म का दिया है। नाउ हैप्लॉयड डिप्लॉयड सिस्टम इन, इसके भी ऊपर मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, यू कैन वॉच दैट 2-3 मिनट्स वीडियो, हैप्लॉयड डिप्लॉयड सिस्टम इन हनी बीज। ओके हैप्लॉयड और डिप्लॉयड सिस्टम इन हनी बीज का आप वीडियो भी देख सकते हो, यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। सी हमने जेनिक बैलेंस थ्योरी में अलग देखा, हमने जो क्रोमोजोम्स के बेसिस पे था, अल्लोजोम्स के बेसिस पे, वो अलग देखा। अब यहाँ पे डिप्लॉयड हैप्लॉयड सिस्टम का थोड़ा सा अलग फंडा है। यहाँ पे मेल आर जनरली हैप्लॉयड, मेल क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। हनी बीज द फीमेल है वो डिप्लॉयड, फीमेल डिप्लॉयड होती है, और मेल जो होता है डिप्लॉयड फीमेल का क्रोमोजोम वो होता है 32, 2n = 2x = 32। और जो मेल बनते हैं, मेल ऑलवेज प्रोड्यूस फ्रॉम हैप्लॉयड गैमेट, उसका फर्टिलाइज, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो प्रोजिनी बनती है हैप्लॉयड, वो मेल बनती है। मतलब फीमेल में विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर हनी बीज जो क्वीन है, क्वीन बहुत सारे अंडे देती है, उसमें कुछ अंडे ऐसे होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइज डेवलप हुए होते हैं, वैसे अंडों से हैप्लॉयड ड्रोन निकलेगा, वो मेल बनेगा। ओके फीमेल्स आर क्वीन एंड वर्कर, तो फीमेल कौन है इसमें,
जनरली फीमेल और वर्कर, देखिए हनी बीज में तीन प्रकार के कॉलोनी ये होते हैं, पॉपुलेशन होती है। पहला होता है फीमेल, दूसरा होता है वर्कर और तीसरा होता है मेल, जिसको हम ड्रोन बोलते हैं। ठीक है, अब ड्रोन का काम क्या है, सॉरी वर्कर का काम, द फीमेल विच इज फीड ऑन रॉयल जेली। देखिए फीमेल कैसे बनी, जो मेल में गैमेट बना है। अब मेल में गैमेट कैसे बनेगा, मेल इज हैप्लॉयड तो हैप्लॉयड गैमेट बनेंगे डेफिनेटली। तो मेल के जो गैमेट बनेंगे वो जिस के साथ फर्टिलाइज हो गए वो प्रोजेनी डिप्लॉयड होगी, वो प्रोजेनी डिप्लॉयड होगी। लेकिन डिप्लॉयड वर्कर भी है, तो क्या किया जाता है, समझ लीजिए 1000 डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो उसमें से एक को रॉयल जेली खिलाया जाता है, सभी को नहीं, एक या दो तीन को रॉयल जेली खिलाया जाता है। तो क्या होगा, वो वर्कर के जगह फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ ईटिंग ऑफ द रॉयल जेली। उसको रॉयल जेली खिलाओगे तो वो फीमेल में हो जाएगा। अगर वर्कर है तो वर्कर इज स्टराइल, वो फीमेल भी नहीं और मेल भी नहीं, इट इज स्टराइल। उसका काम है काम करना, ओके। वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। और हर आपको जब हनीबीज का वो देखोगे तो वहां पे नर नर तो बहुत है, मादा उसको हम बोलते हैं रानी, मादा रानी, रानी माछी बोलते हैं हम उसको, ओके। वो अकेली होती है, उसका साइज भी बड़ा होता है। साइज क्यों बड़ा है, बिकॉज वी आर फीडिंग रॉयल जेली, हम उसको क्या कर रहे हैं, रॉयल जेली खिला रहे हैं, वी आर फीडिंग रॉयल जेली। तो देखिए क्वीन कैसे डेवलप होगी, हमारे हैप्लॉइड क्या बन रहे हैं, ड्रोन जो है उसको हम ड्रोन बोलते हैं, मेल को, मेल इज कॉल्ड एज ड्रोन। तो मेल का जो हैप्लॉइड गैमेट है वो फर्टिलाइज होंगे किसके साथ, फीमेल के साथ। और जो नॉन फर्टिल विदाउट फर्टिलाइजेशन जो एक बनेंगे उससे फिर ड्रोन बनेगा, याद रखिए ड्रोन फिर वही बनेगा। ड्रोन मतलब हैप्लॉइड मेल, हैप्लॉइड मेल कैसे बनता है, फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, एग में फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं। ऐसे कुछ एग्स होते हैं जिसके जिसका फर्टिलाइजेशन मेल के स्पर्म के साथ नहीं हुआ, उससे आपको क्या मिलेगा, फिर मेल मिलेगा। अब फीमेल और वर्कर, अब फीमेल, अब देखिए हमारे डिप्लॉयड सेल आ गई इसके साथ, हैप्लॉयड फीमेल का क्रॉस, हैप्लॉयड मेल के साथ होने के बाद आपको डिप्लॉयड फीमेल, डिप्लॉयड प्रोजेनी आ जाएगी। जिस डिप्लॉयड लार्वा को आपने रॉयल जेली खिलाया वो कन्वर्ट हो जाएगी क्वीन में, जिस लार्वा को आपने रॉयल जेली नहीं खिलाया वो हो जाएगी कन्वर्ट स्टराइल वर्कर में, स्टराइल फीमेल में। तो वर्कर्स आर स्टराइल फीमेल, ड्रोन्स आर फर्टाइल मेल विच आर हैप्लॉयड। याद रखो ऑल मेल्स आर हैप्लॉयड इन हनीबीज, टर्माइट एंट, और एंट में भी ऐसी होता है, टर्माइट में भी ऐसी होता है, ऐसी सिस्टम चलती है, हैप्लॉयड डिप्लॉयड सिस्टम। तो डिप्लॉयड कौन है, फीमेल और वर्कर, वर्कर कौन है, स्टराइल फीमेल है। वर्कर स्टराइल फीमेल क्यों है, क्योंकि उनको रॉयल जेली नहीं खिलाया गया। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस स्लाइड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू नॉट अंडरस्टूड प्लीज आस्क, आप पूछो, ठीक है। लास्ट टाइप इज एनवायरमेंटल टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, एनवायरमेंट डिसाइड करता है कि आने वाली प्रोजेनी मेल आएगी कि फीमेल आएगी। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब जन्मतः वो ऑर्गेनिज्म मेल होगा कि फीमेल होगा पहले डिसाइड नहीं होगा, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब वो अपने मदर के ओवरी में डेवलप होता होगा जायगोट में, तब वो सेक्स डिसाइड नहीं होगा। जब उसका बर्थ होगा तब वो कौन से एनवायरमेंट में पैदा हो रहा है, किस एनवायरमेंट को, उसको कौन से एनवायरमेंट का कंडीशन मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट दैट सेक्स विल बी गेट डिसाइडेड, उसके बेसिस पे सेक्स डिसाइड होगा। सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, ओके सॉरी इन दिस पॉइंट, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। अब पहला है टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन इन रेप्टाइल्स। जो रेप्टाइल्स है, बहुत सारे रेप्टाइल्स आपने देखी होगी, रेप्टाइल्स में जो आपके रेप्टाइल्स है ये आपको दिख रहा है ये रेप्टाइल्स में, तो रेप्टाइल्स में आने वाली प्रोजेनी मेल होगी कि फीमेल होगी ये वो कौन से एनवायरमेंट में जन्म ले रहा है उसके ऊपर डिसाइड होता है कि कौन ज्यादा मेल होगा, कहाँ पे ज्यादा फीमेल होगा, कहाँ पे खाली मेल होगा, कहाँ पे खाली फीमेल होगा। नाउ व्हाइल सेक्स ऑफ मोस्ट स्नेक, स्नेक की बात कर रहा हूँ, रेप्टाइल्स द मोस्ट लिजार्ड, लिजार्ड की बात कर रहा हूँ, डिटरमाइंड बाय सेक्स क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन टू द सेक्स मोस्ट ऑफ द टर्टल। अभी क्या है, द सेक्स ऑफ मोस्ट टर्टल कासव एंड ऑल स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल्स, जो मगरमच्छ होते हैं,
इज डिटरमाइंड बाय द एनवायरमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब पहले सेक्स डिसाइड नहीं होता, बाकी स्नेक्स में उसमें होता है लेकिन इनके लिजार्ड में भी होता है लेकिन यहाँ पे नहीं होता। ये कब होता है? डिटरमाइंड बाय द एनवायरमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, द इन दीज रेप्टाइल्स द टेम्परेचर ऑफ द एग्स ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। जब एग्स बन गया, एग्स कितने टेम्परेचर के ऊपर वहां पे रखा जा रहा है उसके ऊपर वहां पे डिसाइड होगा कि आने वाली प्रोजेनी में कितने से मेल होंगे और कितने फीमेल होंगे। हाउ मेनी मेल्स विल बी देयर एंड हाउ मेनी फीमेल्स विल बी देयर, अंडरस्टूड? दैट इज डिसाइडेड। नाउ सी, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे। तो टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब कैसे, यहां पे देखो, एग्स इंक्यूबेटेड एट अ लो टेम्परेचर प्रोड्यूस वन सेक्स। अगर एग आप लो टेम्परेचर में रखोगे प्रोड्यूस वन सेक्स, वेयर एज द एग इंक्यूबेटेड एट अ हायर टेम्परेचर 30 के ज्यादा प्रोड्यूस द अदर सेक्स। देर इज ओनली अ स्मॉल रेंज ऑफ द टेम्परेचर दैट परमिट्स बोथ मेल एंड फीमेल। ऐसा एक स्मॉल रेंज है, स्मॉल कौन सा होगा? 27 to 30 के बीच वाला, वहां पे मेल भी और फीमेल भी इक्वल के आसपास होते हैं। अगर यहां पे देखोगे, अगर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आपका कम है, अगर टेम्परेचर कम है तो एक सेक्स होगा, अगर टेम्परेचर आपका ज्यादा है तो दूसरा सेक्स प्रोड्यूस होगा। सो दैट इज द डिसाइडेड बाय आने वाला प्रोजेनी मेल होगा कि फीमेल होगा। सो ये आपका एनवायरमेंटल डिपेंडेंट है। दूसरा है लोकेशन डिपेंडेंट सेक्स डिटरमिनेशन, बोनेलिया बोनेलिया एंड सेपिड्यूला। इनमें क्या होता है देखिए, जब बोनेलिया में ऑर्गेनिज्म बर्थ होता है, ये भी इंटरेस्टिंग है, द सेक्स ऑफ यूचेरॉइड वर्म बोनेलिया डिपेंड्स ऑन द वेयर अ लार्वा सेटल। लार्वा जब जन्म लेगी तब वो फीमेल के साथ अटैच है कि नहीं है? इफ बोनेलिया लार्वा लैंड्स ऑन द ओशियन फ्लोर, अगर वो ओशियन फ्लोर में लैंड हो गया, इट विल डेवलप इंटू फीमेल। वो क्या हो जाएगी? इट विल डेवलप इंटू 10 सेंटीमीटर लॉन्ग फीमेल। लेकिन इफ द लार्वा इट अटैच रिमेन टू द फीमेल, इट प्रोड्यूस टू द मेल। अगर वो लार्वा फीमेल से ही अटैच है जन्म लेने के बाद भी, इट विल प्रोड्यूस इंटू मेल। तो उसमें क्या होगा, द ट्यूब अंटिल द एंटायर फीमेल हुज बॉडी डिफरेंशिएशन इज द इंटू मिनिट मेल, दैट इज इसेंशियली स्पर्म प्रोड्यूसिंग सिमर। तो इसमें क्या होगा, फीमेल बॉडी बॉडी के ऊपर अगर वो ट्रेवल कर रहा है तो इट विल गेट कन्वर्ट इन टू 1 to 3 मिलीमीटर मेल। वो क्या हो जाएगा, अगर 2-4 मिनट के लिए भी वो फीमेल के साथ अटैच है, वो मेल बनेगा। अगर वो डायरेक्टली जन्म लेने के बाद वो अगर समुन्द्र के फ्लोर में गिर गया, मतलब फ्लोर पे है, फीमेल के साथ अटैच नहीं है, तो वो फीमेल बनेगी। अगर फीमेल के साथ अटैच है तो वो मेल बनेगा। सो दिस इज ऑल्सो लोकेशन डिपेंडेंट डिटरमाइन। तो ये भी आपका इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, आपको पता होना चाहिए। आप पहला देखा टेम्परेचर डिपेंडेंट डिपेंडेंट, अगर टेम्परेचर बिलो 20 to 27 है तो एक सेक्स होगा, अबो 30 है तो दूसरा सेक्स आएगा। दैट इज रेप्टाइल एंड क्रोकोडाइल में एग्जाम्पल है, बोनेलिया और क्रिपिडुला में क्या एग्जाम्पल है, जैसे आपका जो बोनेलिया में जैसे आपका लार्वा जन्म लेता है, अगर लार्वा जन्म लेने से बाद तुरंत फीमेल से डिटैच हो जाएगा, 10 मिलीमीटर का फीमेल होगा। अगर वो कुछ मिनट के लिए फीमेल के साथ ही अटैच होता है तो इट विल गेट कन्वर्ट इनटू मेल। देखिए, सेक्स मेल आएगा कि फीमेल आएगा, किसने डिसाइड किया? वो फीमेल के साथ अटैच है कि फ्री है, इसके ऊपर वहां पे डिसाइड किया टेम्परेचर ने। तो ऐसे भी कंडीशंस हो सकती है। सो दिस इज अबाउट द नाउ सेक्स मोजैक इन डॉर्सोफिला। कभी कभी सेक्स मोजैक के ऊपर शॉर्ट नोट आता है, तो आपको सेक्स मोजैक मतलब क्या ये भी पता होना जरूरी है। सेक्स मोजैक इज नथिंग बट जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल फीचर इन द बॉडी। बॉडी अगर देखिए, चेहरा फीमेल जैसा दिख रहा है, मतलब बॉडी का कुछ पार्ट आपका फीमेल का है, कुछ पार्ट आपका मेल का है। बहुत सारे लोग होते हैं उनका लैंग्वेज फीमेल जैसा आवाज आता है, ओके, दैट इज नॉट दैट मच प्रॉब्लम, बट होता है ऐसे, ठीक है। तो क्या है कि कभी कभी ऑर्गन बॉडी के कुछ ऑर्गन फीमेल जैसे होते, कुछ ऑर्गन मेल जैसे होते। बहुत सारे फीमेल को आपने दाढ़ी आते हुए देखा होगा, करेक्ट, हंसने की कोई बात नहीं। तो होता है कभी कभी कोई कोई को फीमेल में मूंछ आती है, दैट इज अ सेक्स मोजैक, उसको हम बोलेंगे सेक्स मोजैक, ओके। सो डॉर्सोफिला में ये पाया गया है बहुत बार। डॉर्सोफिला फ्लाइज कब होता है सेक्स मोजैक डॉर्सोफिला में? ये चांस है 2000 में एक आधा डॉर्सोफिला सेक्स मोजैक का होता है। जैसे हमने बोला
हमारा जो डाउन सिंड्रोम है, 1,000 में एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का होता है, हमने टर्नर सिंड्रोम देखा था, 5,000 में एक गर्ल ऐसी हो सकती है, सो लाइक दैट देर इज अ चांस, ठीक है ना। वैसे ही इधर भी सेक्स मोजैक हो सकता है ड्रोसोफिला में, 2,000 में एक ड्रोसोफिला का प्रोजनी आ सकता है, हैव अ मेल टिश्यू इन वन पार्ट एंड अदर बॉडी टिश्यू ऑफ द फीमेल पार्ट। तो इसमें क्या होता है, जब भी वेन एवर देर इज अ सेक्स मोजैक, तो उसमें कुछ बॉडी पार्ट मेल जैसे होंगे, कुछ बॉडी पार्ट फीमेल जैसे होंगे। इंडिविजुअल विद अ सच मोजैक्स आर नोन एज जिनेंड्रोमॉर्फ्स, या फिर हम उसको जिनेंडर्स बोलते हैं, याद रखना, कभी कभी पूछते हैं स्पेशली इन जेआरएफ। अब पैटर्न ऑफ सेक्स मोजैक, तीन प्रकार के पैटर्न होते हैं। दिस इज लास्ट स्लाइड आई थिंक, सेक्स डिटरमिनेशन की ये लास्ट है, यस, उसके बाद लिंकेज है, लिंकेज हम अलग से पढ़ेंगे। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड, बाइलैटरल सेक्स मोजैक, एंटेरियर पोस्टेरियर सेक्स मोजैक एंड सेक्स मोजैक इन पैचेस। अब इसमें क्या है, बाइलैटरल सेक्स मोजैक में क्या है, वन साइड, एक साइड ए वाली इस तरफ की, राइट साइड इज फुल्ली मेल एंड लेफ्ट साइड इज अ फुल्ली फीमेल। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पूरी एक साइड जो है ये मेल की है और ये वाली फीमेल की है। तो ऐसे भी कंडीशन कभी कभी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज बाइलैटरल सेक्स मोजैक। वन साइड ऑफ ड्रोसोफिला इज मेल एंड अनदर साइड ऑफ द ड्रोसोफिला इज फीमेल, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोजैक। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है जेआरएफ में, कौन सा मोजैक मोस्ट कॉमन है, तो इट इज अ बाइलैटरल सेक्स मोजैक। देन दूसरा है एंटेरियर पोस्टेरियर, आधा पोर्शन ऊपर का मेल का या फीमेल का, और नीचे का मेल का या फिर फीमेल का। द फ्रंट हाफ ऊपर का ऑफ द फ्लाई इज वन सेक्स एंड रिमेनिंग इज अदर सेक्स। देन सेक्स मोजैक इन पैचेस, कुछ पोर्शन आईज मेल का है, माउथ फीमेल का, सो लाइक दैट। अगर पैचेस में है तो वो होता है आपका सेक्स मोजैक इन पैचेस। सम टाइम ओनली अ क्वार्टर ऑफ द बॉडी इज मेल एंड रेस्ट ऑफ द फीमेल, तो पैचेस में है। तो ये है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन, टाइप्स ऑफ सेक्स, सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, आप अच्छे से देख लीजिए उसको, थोड़ा लिखने की कोशिश करिए, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए।